good job. हेलो बच्चों, एग्जाम इंश्योर डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर की 2022 स्कॉलरशिप एग्जाम 31/7/2022 को जो एग्जाम हुई थी क्लास फिफ्थ पेपर वन। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करके देखेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लॉजिक विद ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करेंगे कि कैसे उस पेपर को सॉल्व करना था और उसके क्या सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन टू मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है फाइव डजन प्लस टू ग्रॉस इज इक्वल टू टोटल डजन पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है फाइव डजन ये और टू ग्रॉस का मतलब क्या हो रहा है कि वन ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, तो 2 ग्रॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डजन। ठीक है, तो 24 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड ऑप्शन राइट है 29। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर्स डिविजिबल बाय 37 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर एट द सिक्स प्लेस। ठीक है, सिक्स प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये 37 इंटू 7 अगर करते हैं हम लोग, सॉरी 6 करेंगे, 37 इंटू 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6 7 जा 42 और 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जा रहा है यहाँ पे 222। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इफ 12th August 2017 वाज सैटरडे देन विच डे वुड ऑकर 5 टाइम इन अगस्त। ठीक है, तो आपको पता है अगस्त जो मंथ है ये 31 डेज का है। ठीक है, तो इसमें 1st August, 2nd August और 3rd August को जो दिन आएंगे वो 5 टाइम आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो 1st August को क्या आ रहा है ट्यूजडे आ रहा है। ठीक है, सैटरडे 12th को आ रहा है तो 1st जो अगस्त रहेगा वो ट्यूजडे आएगा। तो ट्यूजडे 1st, वेडनेसडे और ये थर्सडे। ठीक है, 1st, 2nd और ये 3, तो यहाँ पे हमारा 3rd वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 29, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू डेसिमल फ्रैक्शन इज 4.585 एंड वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 3.256 देन व्हाट इज द अदर डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमें अदर डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे इसे प्लस कर देंगे। जो दिया है ये 4.585 दिया है। ओके, और इसे प्लस करेंगे हम लोग 3.256। जो नंबर्स दिए इन्हें प्लस कर देंगे हम लोग तो हमें अदर डेसिमल फ्रैक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 11, 8 प्लस 5 13, 13 और एक क्या हो जाएगा 14 और 5 प्लस 2 7 7 और 8। ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 7। ठीक है, तो 7.841, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, इसका जो राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला जो ऑप्शन दिया है 1 ग्राम इक्वल टू 100 डेसीग्राम, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, यहाँ पे शेडेड पोर्शन ये जो पोर्शन दिया है इसे हमें फाइंड आउट करना है। इसे हम लोग काउंट कर लेंगे कितना है, तो ये 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये जो 4 पार्ट है ये शेडेड है और बाकी के जो पार्ट इसे काउंट कर लेंगे हम लोग, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 into 4 16, तो 16 पार्ट में से जो 4 पार्ट है ये क्या है शेडेड है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा 25%। ठीक है, 25% शेडेड है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट जो ऑड नंबर हो तो क्या हो जाएगा 101 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो इवन हो तो इवन नंबर क्या है हमारा 98 है। ठीक है,
माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, ठीक है, कि यहाँ पे पॉइंट में सीरीज दी हुई, ठीक है, 5.435, 5.084, 5.132 और 5.064, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है ये लास्ट में आ जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 5.435, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट पूछा है ना, ठीक है, तो जो सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 64, ठीक है, ये आ जाएगा, तो हम इसे माइनस कर देंगे 064, ठीक है, माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5-4 1, और 13-6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 4-1 करेंगे तो 3, ठीक है, 0.0.371 कहाँ पे है, तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विजारो परचेज 30 dozen ऑरेंज एट द रेट ऑफ 50 per dozen, ठीक है, 50 rupees per dozen दिया है, 15 oranges वेयर स्पॉइल्ड, ही सोल्ड द रिमेनिंग oranges, ठीक है, जो जिसमें से 15 orange क्या है, खराब हो चुके हैं, और ही सोल्ड द रिमेनिंग ऑरेंज एट 6 per orange, ठीक है, 6 rupees per orange, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही अर्न इन द ट्रांजेक्शन, तो इस ट्रांजेक्शन में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट रहेगा, प्रॉफिट कितना हुआ है आप 570 rupees, ठीक है, 570 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इफ 15 kg 500 g ऑफ राइस इज फिल्ड इन द बॉक्स, देन हाउ मच राइस विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 10 सच ए बॉक्स, ठीक है, तो 10 बॉक्स के लिए हमें कितने जो राइस है वो रिक्वायर्ड रहेगी, यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा 5.ओके, तो एक बॉक्स में कितना आ रहा है 15 kg, ठीक है, 15 kg 500 g यहाँ पे एक बॉक्स में आ रहा है, तो हमें फिर क्या दिया है, हाउ मच राइस विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द 10, ठीक है, तो ये जो 10 बॉक्स को भरने के लिए हमें कितने राइस की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे इनटू 10 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 155, यानी ठीक है 155 kg की हमें यहाँ पे राइस लगेगा, तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अ बॉटल कैन कंटेन 125 ml ऑफ क्या दिया है, सेंटेड ऑयल, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 4 liter ऑफ सेंटेड ऑयल, ठीक है, जो भी ये सेंटेड ऑयल है हमें 4 liter के लिए कितनी बॉटल की रिक्वायर रहेगी, तो 4 liter यानी कितना हो जाएगा 4000, ठीक है, और एक बॉटल में कितना आ रहा है, तो 125 ml आ रहा है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा हमको, 32 मिल जाएगा, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 32 मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 37, 3 triangle 4 square इज कम्प्लीटली डिविजल बाय 6, ठीक है, 6 से डिवाइडेबल रहेगा, विच नंबर्स विल अकर इन अ प्लेस, यहाँ पे स्क्वायर एंड ट्रायंगल रिस्पेक्टली, ठीक है, जो ये सीरीज दी है ना, पहले स्क्वायर दिया है फिर ट्रायंगल दिया है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे आंसर में भी देखना है। ओके, तो आपको 6 के बारे में पता है, अगर वो 3 और 2 से अगर डिविजिबल है तो वो जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, ठीक है, बाकी 3 भी नहीं आएगा और यहाँ पे 1 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, तो पहले हम लोग 2 को ट्राई करेंगे। ओके, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 + 4 कितना आएगा 7, 7 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 में हम लोग कितना ऐड करें जिससे कि वो 3 से भी डिविजिबल हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, 9 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, 9 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये जो 12 जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है,
पहला क्या देखिए हमने कि ये टू से डिविजिबल है जिसके लास्ट में ये टू है। दूसरा इन नंबर्स को हम लोग अगर प्लस करते हैं उस आंसर में अगर वो थ्री के टेबल में आ रहा है, ये जो आंसर थ्री के टेबल में आ रहा है ओके, तो वो सिक्स से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर की प्लेस पे टू आ जाएगा और ट्रायंगल की प्लेस पे थ्री आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट इंडिकेटेड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। ठीक है, इससे रिलेटेड एक फ्रैक्शन है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल जो ये है बॉक्स बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिक्स है जिसमें से चार पार्ट क्या है, दो पार्ट क्या है सॉरी, हाँ इसमें जो चार पार्ट जो है ब्लैंक है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 4/6 दिखा सकते हैं, तो ये तो रिलेटेड है उससे। देन यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये वन पार्ट हो गया, ये टू पार्ट हो गया, ये थ्री पार्ट हो गया, तो इसको 1/3 भी दिखा सकते हैं हम लोग कि वन पार्ट क्या है ये शेडेड है और टू पार्ट क्या है यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये भी रिलेटेड है उससे। देन 2/3 दिया है तो ये भी उससे रिलेटेड है, ठीक है, कि क्या हो जाएगा इसमें कि जो टू पार्ट है ये ब्लैंक है, ठीक है, इसमें कोई शेडेड नहीं है, और वन पार्ट क्या है ये शेडेड है, तो इसको भी हम लोग 2/3 लिख सकते हैं ऐसा, तो ये भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा कि ये रिलेटेड नहीं है इस डायग्राम से, तो हम फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। ओके 8/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इन हाउ मेनी इयर्स द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 4000 विल गेट डबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनएम बाय सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको डबल करना है, ठीक है, 8000 कब तक होगा, तो इसका जो राइट वाला आंसर है इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं 4000 ओके इनटू 10% दिया है, ओके इस टाइप से आप सॉल्व कर लीजिए, तो वन ईयर में 400 हो रहा है, ओके तो 10 ईयर में कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 40, इन द एडजॉइनिंग फिगर बाय हाउ मच इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल मोर और लेस देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मोर बाय 4 आ जाएगा, मोर बाय कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसे आप काउंट करेंगे, ट्रायंगल काउंट कर लीजिएगा 1 2, ठीक है, ये 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा मोर बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 द लीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे जो 5 रहेगा उसकी वैल्यू कम रहेगी, ये 5 है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो 3/7 ऑफ 28 यहाँ पे राइट है, ठीक है, 7 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, ठीक है, और 3 × 4 करेंगे तो 12, ठीक है, यहाँ पे भी सेम 7 × 2 = 14, तो ठीक है ओके, तो 6 × 2 करेंगे तो 12, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 5 × 3 = 15, तो 3 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग 9 × 2 = 18, तो यहाँ पे 8 × 2 करेंगे, ठीक है, 2 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आना चाहिए, बट यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा इनकरेक्ट रहेगा। ओके 504 मीटर लॉन्ग वायर इज कट एट 8 प्लेस एट अ इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। ठीक है, इसको हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो ऐसे समझ लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये सेम इक्वल 9 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 504 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 504 को 9 से डिवाइड कर देंगे, ओके, तो 9 5 = 45,
और 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 56 मीटर। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 44, राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आप देख सकते हैं कि 7 × 8 + 5, यहाँ पे 8 × 7 + 5 है, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ नंबर एज एंड वर्टिसेस ऑफ अ क्यूबॉइड मोर देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस एंड फेसेस ऑफ अ क्यूब। इसका जो राइट वाला आंसर रहेगा 14 रहेगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा क्या रहेगा, 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, हर्जी टूक अ लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम अ बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% फॉर 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल हैव टू पे द बैंक। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे करने के लिए पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, 20,000 इस टाइप से इंटू 7, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 है और टाइम पीरियड कितना है, 3 है, 3 ईयर्स के लिए। इसे सॉल्व कर लेंगे, ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 200 × 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट वाला आंसर है ऑप्शन नंबर 4200, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 4200, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 47, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, ये जो सीरीज है आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ऐसे, ओके, तो ये एरो है, फिर स्टार है, फिर स्टार है, फिर एरो है, फिर पहले स्टार एरो आया है, फिर स्टार है, ठीक है, तो इसके बाद में क्या होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि पहले एरो आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में एरो आना चाहिए एंड फिर स्टार आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि हम लोग ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि पहले एरो है फिर स्टार है, तो यहाँ पे 47 का थर्ड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी टाइम्स 3/4 शुड बी एडेड टू 3/4 टू गेट द एडिशन 3। अगर इसको हम 3 टाइम प्लस करेंगे, ठीक है, 3/4 में इसको अगर 3 टाइम प्लस करेंगे इस टाइप से, ओके, ऑलरेडी ये जो 3/4 दिया हुआ है इसमें हम लोग कितने टाइम ऐड करेंगे ऐसा क्वेश्चन में पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो कितने टाइम हमने ऐड किए, तो यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, तो इस हिसाब से सेकेंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगर इसने टोटल पूछा है तो यहाँ पे 4 टाइम ऐड करने के लिए आएगा, तो अगर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन भी राइट हो सकता है, बट यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 49, इन अ मार्केट इफ द कॉस्ट ऑफ 17 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज इज 6,035, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 25 सच ए बॉक्स। ठीक है, 17 बॉक्स की प्राइस निकाल लेंगे हम लोग, तो 17 बॉक्स की प्राइस दिया है, तो यहाँ पे हम लोग पर बॉक्स की प्राइस निकाल लेंगे एंड जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको इंटू 25 करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको 25 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो राइट वाला आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर है, ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50 का, मारिया हैड टू रीच फॉर अ सेमिनार एट 10:30 AM, बट हर व्हीकल गॉट पंचर्ड एंड सी गॉट लेट बाय 45 मिनट, देन एट व्हाट टाइम डिड सी रीच फॉर द सेमिनार। ठीक है,
45 मिनट अगर लेट हो गई तो वो कितने टाइम पे पहुंचेगी? तो क्या करेंगे हम लोग, 10 30 करेंगे सॉरी 10 30 प्लस 45 कर लेते हैं। ओके, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 7 और ये 10। ठीक है, तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 60 मिनट इसे दे देंगे तो ये 11 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचा रहेगा, 15 बचाएगा। एने 11:15 को वो पहुंचेंगे तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। ओके, तो आगे की जो क्वेश्चन है बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको जो क्वेश्चंस है, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके।